The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. आज का टॉपिक हम बात करेंगे आपके साथ एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट TMT ट्रेडमिल टेस्ट. सुना तो होगा, नहीं सुना तो किया तो होगा, नहीं किया तो भाई सुन लो. सो एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट क्या है, कैसे है, सो शुरू बातचीत करेंगे आज. और अगर कहीं आपका TMT ट्रेडमिल टेस्ट एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो उसका क्या मतलब है, एक पॉजिटिव स्ट्रेस टेस्ट का क्या मतलब होता है और उसके लिए करना क्या होगा. देखो, उसके लिए सबसे पहले आपको दो तीन बातें समझनी होगी. आपको पता है ECG क्या होता है, हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, बात कर रखी है ECG इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट विच इज ऑन द पेपर. तो एक ग्राफ है, ग्राफ पेपर में उतारा गया है, आपके हार्ट की एक्टिविटी देख सकते हैं, हार्ट में कहीं डैमेज हुआ है, कुछ डैमेज हो रहा है, कुछ कोई हिस्सा बड़ा है छोटा है, उसका कुछ इंडिकेशन ECG में दिखता है, इको में दिखता है. तो ECG इको के वीडियोस आपने देखे नहीं है तो देख लीजिएगा, जरूरी जांचें हैं हार्ट की जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए. तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट. और एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट का इस्तेमाल होता है ये देखने के लिए कि एक्सरसाइज का आपके दिल पे क्या असर होता है. अगर आपका दिल रेस्टिंग स्टेट पे नॉर्मल है तो, बट ऑफकोर्स अगर आपका दिल रेस्टिंग स्टेट पे ही उसमें दिक्कतें दिख रही है, उसमें बीमारी दिख रही है, उसमें प्रॉब्लम दिख रही है, उसमें ECG में गड़बड़ है तो एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट नहीं किया जाता. अगर आपका दिल रेस्टिंग स्टेट में नॉर्मल है और हमें शक है कि कोई अंदर हार्ट की बीमारी छुपी हो सकती है तब किया जाता है TMT ट्रेडमिल टेस्ट एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट टू सी द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन योर हार्ट एंड टू फाइंड आउट एनी अंडरलाइंग हार्ट डिजीज विच कम्स आउट विथ एक्सर्शन. तो दौड़ने पर आपका हार्ट तेज चलेगा, जो बीमारी है उसको स्लो धड़कने में शायद कभी कभी नहीं समझ में आती, जो अगर धीरे धड़कने में तेज धड़कने में समझ में आती है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट किया कैसे जाता है, टेस्ट किया क्यों जाता है, ये टेस्ट से क्या पता चलता है. ये टेस्ट करने के लिए कोई मेजर चीज की आवश्यकता नहीं है, एक टेक्नीशियन की आवश्यकता है. एक टेक्नीशियन एक अस्पताल में या एक डायग्नोस्टिक सेंटर में आपके छली छाती पे टिंग 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 ऐसे 3-4-5-6 ऐसे लगाएंगे आपको ECG लीड्स. ECG में लीड के इलेक्ट्रोड लगाया जाएगा, चिपकाया जाएगा, पैचेस लगाए जाएंगे जो एक मॉनिटर से लगाया जाएगा जो आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते जाएंगे. अभी ये कभी कभी ब्लूटूथ का होता है तो तारें नहीं लगी जाती पूरी, सिर्फ ऐसा एक जेब में डाल दिया जाता है पॉकेट सा और बांध दिया जाता है, आपको गाउन पहनाया जाता है. उसके बाद आपको बोला जाता है कि भाई साहब एक ट्रेडमिल है उस पर चलिए, तो आप ट्रेडमिल पे चलने लगते हो. आप जैसे जैसे ट्रेडमिल पे चलते हो वैसे वैसे आपकी ECG भी उसमें रिकॉर्ड होती रहती है, एक साथ तो आप और चलते हो. आप चलते हो पहले 3 मिनट, हर तीन मिनट में ECG का जो वो है, क्या बोलते हैं उसकी जो स्पीड है, जो ट्रेडमिल की स्पीड है, जो ट्रेडमिल की ऊंचाई है वो बढ़ाई जाती है. ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ती है, ट्रेडमिल की ऊंचाई बढ़ती है, तो मतलब आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ती है. आप और ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो. जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइज होती है वैसे वैसे आपकी ECG रिकॉर्ड होती रहती है, वैसे वैसे हर स्टेज में आपका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड होता रहता है. तो देखा जाता है कि क्या आप एक्सरसाइज कर पाते हो, क्या कितनी एक्सरसाइज कर पाते हो, कितनी आसानी से कर पाते हो, क्या एक्सरसाइज करते वक्त आपको कोई सिम्टम होता है ना, क्या आप अपने उम्र के अनुसार जितनी दिल की धड़कन, जितनी एक्सरसाइज आपकी उम्र के अनुसार आपको करनी चाहिए क्या आप उतनी कर पा रहे हो, राइट. तो जब तक आप उस टारगेट हार्ट रेट पे नहीं पहुंचते तब तक टेस्ट किया जाता है, ठीक है. अगर आपको बीच में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी छाती में दर्द दबाव या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई हो जाता है, तो कोई भी कंसर्निंग बात आती है तो रोक दिया जाता है टेस्ट. कोई भी ECG में मेजर गड़बड़ी आती है तो रोक दिया जाता है टेस्ट, राइट. अगर ECG में गड़बड़ आती है उसका क्या मतलब, उसका यह मतलब है कि हो सकता है कि आपके दिल को उस हिस्से में जहां गड़बड़ आ रही है वहां उतना खून नहीं पहुंच रहा जितना पहुंचना चाहिए, जितना कि रेस्टिंग स्टेट पे जब आराम से लेटे थे तब तो पहुंच रहा था. जब आप तेज चलने लगे तो दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है,
जब दिल की धड़कन तेज, दिल का काम तेज, दिल पे स्ट्रेस, तो दिल को ज्यादा खून चाहिए। अगर किसी एक हिस्से को खून नहीं जा रहा है तो वो हिस्सा कम काम करने लग जाता है, जैसे ये हिस्सा कम काम करने लग गया और बाकी का हिस्सा काम कर रहा है, तो ये ईसीजी में इंडिकेट करने लगता है। सो ये एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट में पता चलता है। या फिर अगर आप बहुत ही ज्यादा थक गए, अब ना होता, पैर में दर्द हो रहा है जो कि आप आगे नहीं चल पा रहे, तो भी बंद कर दिया जाता है, तब ये किया जाता है कि अगर आपका टारगेट हार्ट रेट नहीं पहुंचा, मतलब आपकी उम्र जितनी है उसके हिसाब से जो हार्ट रेट आपको पहुंचना चाहिए वो होता है 220 माइनस योर एज, 220 से आपकी उम्र निकाल दिया जाए, वो आपका टारगेट हार्ट रेट है। तो कम से कम उस टारगेट हार्ट रेट का 85% तो आपने अचीव करना होता है। अगर आप उतना नहीं अचीव कर पाए, मान लीजिए आपकी उम्र है 40 साल, तो 40 साल की उम्र के हिसाब से आपका 220 माइनस 40 मतलब 180 की आपकी टारगेट हार्ट रेट है। तो 180 तक आपकी धड़कन बढ़ानी है, 180 के ये से ज़्यादा ज़्यादा उसका 85% मतलब करीब करीब 150 या ऐसा कुछ होगा, 155-160 तक आपकी धड़कन पहुंचानी, पहुंच गई तो बस उसके ऊपर पहुंच गई, 10 कंप्लीट टेस्ट कंप्लीट। उतने में आपकी ईसीजी में कोई दिक्कत नहीं हुई, आप सब चल पाए, आप दौड़ पाए, आप सब कर लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीएमटी नेगेटिव मतलब आपको हार्ट की कोई दिक्कत नहीं है, हार्ट आपका ठीक है, हार्ट ठीक है। TMT नेगेटिव मतलब हार्ट ठीक है का मतलब ये नहीं कि हार्ट के अंदर चकाचक 1% भी ब्लॉकेज नहीं है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। हार्ट के अंदर 10% 20% 30% भी ब्लॉकेज होगा तो TMT ठीक आएगा, दौड़ पाओगे, भाग पाओगे, सब कर पाओगे। हार्ट के अंदर सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज होगा, 50% 60% 70% 80% तब TMT में गड़बड़ी दिखेगी। सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज होगा तो TMT नॉर्मल ही आएगा। सो अगर TMT नेगेटिव है, सब कर पाए, दौड़ पाए, कोई दर्द नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया कर पाए, तो उसका मतलब यह है कि हार्ट ओके है। ओके का मतलब है कि अभी कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है, साल दो साल का टेंशन नहीं, क्योंकि ब्लॉकेज दिनों में नहीं बनती, महीनों सालों में बनती है, तो साल बाद एक साल बाद फिर करा के देख सकते हैं। अगर 30% ब्लॉकेज होगा भी और वो बढ़ गया, साल में 50 हो गया, तो अगले साल TMT पॉजिटिव आ जाएगी। तो TMT एक सेफर टेस्ट है एज कंपेयर टू एंजियोग्राफी। हर साल हर बार एंजियोग्राफी करने से किडनी पे ओवरलोड आ सकता है, एंजियोग्राफी से एग्जैक्ट परसेंटेज पता चल सकता है, एंजियोग्राफी का भी वीडियो ऑलरेडी हमने बना चुके हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी, सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बाय डॉक्टर एजुकेशन, यूट्यूब पर टाइप करो, देख लो। मगर एंजियोग्राफी में यूज होती है डाई बार बार डालना, अपने किडनी के ऊपर स्ट्रेस है, तो उसको हर साल नहीं कर सकते। अगर TMT, ECG, ECO किसी भी चीज में या छाती में दर्द हो के हमें गड़बड़ी दिखती है तब हम एंजियोग्राफी करते हैं एग्जैक्ट परसेंटेज जानने के लिए। सो TMT इज अ वेरी गुड टेस्ट। सो आपको TMT नेगेटिव होने के बाद भी 10 से 15 मिनट मॉनिटर किया जाएगा कि आपकी हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए तब तक। उसके बाद जब आपकी हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती तब आपको छोड़ा जाएगा, तब तक आपका ECG रिकॉर्ड होता रहेगा। टोटल एक घंटा ऐसा ही होता रहता है, आधा एक घंटे का टेस्ट है पूरा। इसके लिए बोला जाता है कि आप थोड़े देर 3-4 घंटे खाना ना खाओ, दारू वारू नहीं पीना, उल्टे सीधे चीज नहीं खाना। अगर कोई धड़कन कम करने की दवा है तो एक दिन ना खाए, कि एक दिन पहले बंद करनी है, 24 घंटे नहीं खानी, क्योंकि धड़कन कम करने का बीटा ब्लॉकर ऐसा कोई दवा खा के आओगे तो धड़कन बढ़ेगी नहीं, जितनी हमें 160 तक पहुंचानी है बढ़ेगी नहीं उतनी, दौड़ते जाओगे वैसे ही थक जाओगे। सो इसलिए वो ध्यान रखना पड़ता है। कोई चाय कॉफी सोडा चॉकलेट किसी प्रकार का पेन किलर कोई कैफी कूफी ये पी के नहीं आना है, कोई भी ड्रिंकिंग स्मोकिंग ये सब नहीं पी के आना है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी है, ठीक है। टेस्ट में कोई वैसे दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जिसको ब्लॉकेज है उसको छाती में दर्द हो सकता है, उसको चक्कर आ सकता है, उसको पाल्पिटेशन, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और उसकी ECG में गड़बड़ी आएगी, उसका TMT पॉजिटिव निकलेगा। अगर TMT पॉजिटिव है, TMT में गड़बड़ निकला, छाती में दर्द हुआ, कुछ भी ऐसी चीज आई, मतलब ब्लॉकेज आपके हार्ट की नसों में 60-60 मतलब अच्छा सिग्निफिकेंट है, हो सकता है 60-70-80-90-95% ब्लॉकेज है, इमीडिएटली आपको एंजियोग्राफी करानी चाहिए, तुरंत जल्द से जल्द भर्ती होके एंजियोग्राफी करानी चाहिए। ब्लॉकेज ज्यादा है तो उसको साफ करवाना चाहिए। सो ये टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जी हाँ, ये टेस्ट में इसीलिए एक रिस्क भी रहता है,
इसीलिए आपसे साइन करा जाता है कंसेंट फॉर्म कि टेस्ट करने से पहले आप समझो कि आपको छाती में दर्द हो सकता है। कुछ परसेंटेज केसेस में जिनको 95% तक ब्लॉकेज, 90% ब्लॉकेज है, खून जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, आप ट्रीटमेंट पे चलने लगे, एकदम हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसीलिए ये टेस्ट अस्पताल में किया जाता है, ऐसी जगह पे किया जाता है डॉक्टर के साथ में, कि भाई कुछ हुआ भी तो हम पहले ट्रीटमेंट कर पाएं। क्योंकि वो पेशेंट जिसको 90% ब्लॉकेज था, TMT के दौरान अटैक आया, वो रोड पे चलते चलते अकेले भी अटैक आ सकता था, एंड ही कुड हैव डाइड देयर, कोई ना होता। इसीलिए ये टेस्ट है कि अस्पताल के सेटअप में आपको हार्ट को स्ट्रेस देके देखा जाए कोई बीमारी तो नहीं है, और हर एक का नहीं होता है। TMT या स्ट्रेस टेस्ट एक डॉक्टर असेसमेंट करने के बाद ही प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। सो TMT कई सारे चीज़ों में किया जा सकता है, किसी सर्जरी से पहले किया जा सकता है, और कई सारे लोगों का TMT में नॉर्मल रिजल्ट आ सकता है। ऐसा भी नहीं है कि हार्ट का अटैक हो गया तो उसके बाद TMT गड़बड़ी आएगा, नहीं, पुराना अटैक हुआ था, कोई छल्ला लगा था, कोई इलाज किया था, अब TMT नॉर्मल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सो एबनॉर्मल रिजल्ट का मतलब है कि या तो दिल की धड़कन में गड़बड़ी आ गई, रिदम प्रॉब्लम हो गया ECG में, या दर्द हो गया, उसके केस में फिर आपको या तो कोरोनरी एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ेगी। एबनॉर्मल TMT पॉजिटिव है तो डॉक्टर से मिलिए, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, आपको इकोकार्डियोग्राफी करानी होगी देखने के लिए। कभी कभी कंफर्म करने के लिए हम न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस थैलियम भी करवाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए एक फॉल्स पॉजिटिव नाम की भी चीज़ है, TMT एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा खून की कमी हो, बहुत ज़्यादा आयरन की कमी हो, ऐसे लोगों में फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। सो इसीलिए कभी कभी दूसरे टेस्ट करके कंफर्म करना जाता है, नहीं तो डायरेक्ट अगर इंडिकेशन करते हैं तो एंजियोग्राफी की जाती है। सो ये सारे हिसाब किताब है, याद रखिए, जो जिसमें एक रिस्क भी इन्वॉल्व है, लेकिन ये टेस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ज़रूरी भी है, अच्छा भी है, और आपकी जान बचा भी सकता है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया स्ट्रेस टेस्ट, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट के बारे में। शेयर करिए वीडियो, और कोई भी सवाल है तो ज़रूर लिखिए।